आज़ादी के दशकों वर्ष बीत जाने के बाद भी भिंड जिले के अंतिम छोर पर बसे नगर परिषद अभू को आज तक किसानों की बहुप्रतीक्षित किसान मंडी की मांग को पूरा ना हो पाना हमें और आपको ये सोचने पर विवश कर देता है कि हम 21वीं सदी में तो जा रहे हैं मगर किसानों के हितों को लेकर हम कितना संवेदनशील हैं। वर्षों पूर्व नगर दबोहा के पताका मंदिर की 28 बीघा भूमि को दिवंगत महंत के उत्तराखंड से आया फर्जी चेले के द्वारा कब्जा कर ली गई। इसका प्रकरण न्यायालय में चला और राजीनामा में आधी जमीन 14 बीघा भूमि को हस्तांतरित की गई और आधी जमीन 14 बीघा भूमि बाबा को दी गई। आपको बता दें कि बाबा के द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती और प्लांटिंग करवाकर उपयोग में ले लिया है और दबंग बाबा के द्वारा फलदार वृक्ष लगाकर भूमि पर कब्जा कर लिया है। ऐसे नगरवासियों को मंडी तक नसीब नहीं हो पा रही है। मंदिर की भूमि पर दबंग चेले के द्वारा बेईमानी से कब्जा कर और प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ गांठ कर इस भूमि को अपने नाम नामांतरित करा ली है। अब वो दबंग बाबा प्रशासन को लात ठोकता नजर आ रहा है और यही कारण है कि विगत कई वर्षों से यहाँ की कृषि उपज मंडी मात्र 2 कमरों की किराए में भवन में संचालित हो रही है और किसान वंचित हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बार प्रयास कर किसानों के हित में मंडी संचालित करने के प्रयास किए लेकिन क्षेत्रीय विधायक की एक ना चली। अभी हाल ही में मंडी में कमिश्नर के द्वारा अवलोकन किया गया तो मंडी के शीर्ष अधिकारी और दबंगों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई और दबंग की दबंगई के चलते आखिरकार मंडी कमिश्नर मुरैना को यहां से बिना निरीक्षण के लौटना पड़ा। आपको बता दें कि दबंग ने क्षेत्रीय भाजपा नेता जो स्वयं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी बताता है उसे साठगांठ करवाकर कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पत्र जारी करवा दिया है कि उक्त प्रकरण की पल पल की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का फरमान जारी कर लिया है और इसी क्षेत्र में दबोह की जनता के द्वारा मंडी के समर्थन में सर्वदलीय बैठक रखी गई। इसमें विधायक को आमंत्रित किया गया, उनसे मंडी बनवाने के लिए समर्थन मांगा तो विधायक के द्वारा कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री से इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया लेकिन ये कहना लाजमी होगा कि दबोह उपज मंडी नेताओं के आपसी विरोधाभास के चलते षड्यंत्र का शिकार हो रही है। स्ट्रक्चर बने, अब ये बताओ, अब ये स्ट्रक्चर है छोटा सा, सुनो अब आप जाकर जवाब सुन लो। ये ऑर्डर हुआ है जनहित याचिका में, ठीक है, उसमें हम पक्षकार नहीं है क्योंकि हमारा आपका जो राजीनामा हुआ है वो संपूर्ण 438/2 जो आपको मिला है। तीसरा आदमी जो प्रॉपर्टी बोल रहे आप कौन है? हम जी सर, इनके अनुज हैं, छोटे भाई। हाँ, छोटे भाई हैं हम। जो हमारा आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसमें शर्त है कि 438/2 में जो हमने आपको दी है उसमें 47 आम के वृक्षों का कंपनसेशन आप हमें देंगे, शेष पेड़ जो कटेंगे वो लकड़ी हमारी होगी क्योंकि संपूर्ण पेड़ हमारे हैं, हमने केवल जमीन दी है आपको, पेड़ नहीं दिए। हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़े तो वहाँ तक जाऊंगा और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो जमीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है उसकी भी जांच कराई जाएगी। किसकी थी यह जगह? हनुमान जी सरकार की जमीन थी, यहाँ महंती जी रहते थे और महंती की जगह पे अमरदेव जी महाराज जो दूसरे उनके शिष्य थे सरवनदेव महाराज जी के, उनके शिष्य के रूप में रहने लगे और यह गद्दी विरक्त मतलब बिना शादी शुदा लोगों की रहती है इसलिए वहाँ और अमरदेव महाराज जी रहने लगे, इसके बाद उनका यहाँ परिवार आ गया। इस बारे में मंडी का प्रकरण वर्ष 2002 में निराकरण हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें समझौते के अनुसार 28 बीघा भूमि में से 15 बीघा भूमि आवेदक को प्राप्त हुई, मतलब मुझे प्राप्त हुई और 13 बीघा भूमि पर कृषि उपज मंडी को शर्तों के अनुसार जमीन दी गई थी। वो शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त ये थी कि उस जो 400 उसके दो नंबर बने, 438 के दो नंबर, 438/1 जो मुझे प्राप्त हुआ है, 438/2 जो कृषि उपज मंडी को प्राप्त हुआ है। 2.717 हेक्टेयर 13 बीघा समथिंग। बहु लंबित समय से जो मांग पड़ी हुई है ये लगता कब तक पूरी होने की संभावना है? ऐसा है, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, न्यायालय की कार्यवाही के ऊपर ही सब निर्भर है। क्षेत्रीय ग्रामीण यहाँ मंडी के अभाव में बहुत परेशान रहते हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए मंडी और मंडी बोर्ड मंडी हित में यहाँ उपमंडी चालू करने और किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।